छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो ऐसे लगता है ये हमने किया है, हमसे अगर जरा सी भी कोई अच्छाई हो जाती है ना हमने किया है, और हमसे कोई गलती हो जाए ना तो बोलेंगे हमने नहीं किया, अरे ये मैंने नहीं किया, दूसरे के ऊपर उसका जिम्मेवारी फटाफट से डाल देंगे, ये मैंने नहीं किया। सेवादार भी ऐसे करते हैं, संगत भी कुछ कह दो ना तुमने ये क्या कर दिया, नहीं मैंने नहीं किया किसी और ने किया होगा, कुछ अच्छा कर दिया हाँ ये तो मैंने ही किया। कुछ भी करने वाले जो है ना गुरु जी हैं, भगवान है, कोई भी भगवान भाई गुरु जी परमात्मा हमारे इष्ट हैं, बस तो अच्छा बुरा वही कराते हैं, लेकिन हम गलतियां फिर भी करते रहते हैं, और उन गलतियों से अगर हम सीख जाते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें, तो गुरु जी हमारी बाँह पकड़ के हमें वो गलती नहीं करने देते हैं। बस हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे से वो गलती नहीं करनी है। गुरु जी महाराज के चरणों में अगर आप आके बैठ जाते हो तो सारे दुनिया के दुख दर्द इस दर पे संगत जी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि चाहे वो थोड़ा देर से देते हैं पर सबको देते हैं और सबकी सुनते हैं, सबका कल्याण करने के लिए आए हैं गुरु जी इस दुनिया में। एक मेडिसिन जो कि लाइलाज बीमारियों की भी दवाई, जो गुरु जी ने लंगर प्रसाद की महिमा दिखाई है बनाई है, वो मेडिसिन जिसके लिए डॉक्टर एम्स के डॉक्टर भी कह दिया कि हमारी मेडिसिन भी फेल है, वो हमारे गुरु जी के लंगर प्रसाद को भोग लगाते ही जैसे गुरु जी भोग लगाते हैं, चाहे वो बड़ा मंदिर हो चाहे वो घर में सत्संग हो, जहाँ गुरु जी गद्दी लगती है, जहाँ गुरु जी को भोग लगाया जाता है, जो जगाई जाती है, पाठ होता है, सिमरन होता है, शब्द गुरबानी होती है। मेन तो गुरु जी ने हमेशा से यही कहा है कि शब्द गुरबानी ही चलानी चाहिए। ये भजन वगैरह तो अभी चल गए हैं, जो सिंगर आ रहे हैं वो लोग उन्होंने गाए हैं, वो भी गुरु जी ने ब्लेस करे हैं, लेकिन 90 मिनट की गुरबानी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप एक दो भजन और शुक्राना चला सकते हो। लेकिन जो रस समय गुरबानी में आता है, जो लिव लगती है हमारी गुरबानी से लगती है, जो संगत जी जो हमारी आत्मा है ना, मतलब जो हमारी सोल है, हम कहते हैं आत्मा में परमात्मा का मिलन होता है, लेकिन सोल जो है ना वो भटकती रहती है बहुत जन्मों से, कई जन्म बिछड़े थे माधव ए जन्म तुम्हारे लेखे, इतनी भटक रही थी ये आत्मा। तो जब एक सत्संग में बैठने से हमारी लिव लग गई तो समझ लो उसको एक सुकून मिल गया, उसको एक आधार मिल गया, उसको एक जरिया मिल गया। हम लोग कहते हैं आप जरिया बने, वो आंटी जरिया बनी, वो अंकल जरिया बने, नहीं गुरुजी जरिया बने। गुरुजी ने अपनी संगत को चुना और उनसे जो सेवा लेना चाहते हैं वही लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन अगर जरिया बनाया है तो उस जरिए को भी इस तरीके से हमें बनना है कि कहीं भी खुद नहीं ये कहना कि मैंने किया, फिर आपका वो जरिया टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर खुद के गुणगान ही गाते रहेंगे, बात तो तब होती है जब कोई सामने वाला बोलता है कि अब गुरु जी हैं, गुरु जी ने कभी भी अपना नहीं कहा मेरे गुणगान गाओ मैं हूँ, ये तो उन्होंने इतना दे दिया, इतना प्यार दे दिया, इतना आशीर्वाद दे दिया कि हम उनके गुणगान गाने में मजबूर हो जाते हैं, रहा ही नहीं जाता। एक माँ बाप एक बच्चे को एक छोटा सा फ़ोन भी ला के देते हैं ना, या बर्थडे पर एक छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं जो उसकी मनपसंद का होता है, तो कितना सारा थैंक यू करते हैं बच्चे उनको, बार बार थैंक यू करते रहते हैं। लेकिन हमारे मालिक हमें कितना कुछ देते हैं, अगर हम सोचें कि सुबह उठते ही परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया। सबसे पहले तो हमें सांसें दी जिससे हमने सुबह का सवेरा देखा, रात को सो जाते हैं, कई लोग देखे सो जाते हैं, सोते ही रह जाते हैं, उठ ही नहीं पाते, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, सुबह का सवेरा जैसे ही आप सुबह उठते हो सुबह का सवेरा देखते हो पहले शुक्राना करो, थैंक यू करो मालिक आज फिर सुबह एक अच्छी बख्श दी है। फिर उसके बाद मैं तो ये कहती हूँ जिसके घर में मेड है, जिसके घर में सर्वेंट है, या जिसके हस्बैंड भी उसको चाय बना के पिलाते हैं, मेरे हस्बैंड भी मुझे चाय बना के पिलाते हैं, सबसे पहले उनका शुक्राना करो भाई, बेड पे बैठे बैठे चाय मिल रही है ना। जो हमारे घर के बर्तन मांजने के लिए आते हैं उनका शुक्राना करो, देखो हमें बर्तन भी नहीं मांजने पड़ रहे, हमारे स्वीपर का शुक्राना करो, हमारी सफाई करने वाले, हमारी गाड़ी साफ करने वाले, हमारे पास इतने शुक्राने हैं पूरा दिन के कि आप दिन में अगर एक डायरी बना लोगे ना रात को सोने से पहले, आप सोच नहीं सकते कितने शुक्राने हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ
एक डायरी के दो पेज लो आमने सामने, एक में लिखो सुबह से लेकर रात तक शुक्राने और एक में लिखो शिकायतें। हमारी शिकायतें हमें कम नजर आएंगी, लेकिन हम अपनी वो दो चार शिकायतों को लेके ना पूरा दिन भगवान को तंग करते रहते हैं, भाई गुरु जी को परमात्मा को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। आप शुक्राने शुरू कर दो, धीरे धीरे शिकायतें बंद कर दो। मैं कहती हूँ एक दिन ऐसा आएगा आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, देखना एक भी नहीं बचेगी। क्योंकि जिस दिन हमने हर चीज़ का शुक्राना, ये चलने का शुक्राना, सत्संग में आने का शुक्राना, भजन सुनने का शुक्राना, लंगर प्रसाद बनाने का शुक्राना, खाने का शुक्राना, इतने सुंदर हमें वस्त्र पहनने का शुक्राना, आप सुनते हो ना ये जो सुखमणि साहिब के पाठ में जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए जय प्रसाद, ये सारा ये इसीलिए जिस गुरु प्रसाद ने हमें 36 प्रकार के अमृत भोजन दिए उसका शुक्राना करो। जय प्रसाद सुगंधत तन लावे, जो सुगंध दी हमें लगाने के लिए, बड़े सारे लोग परफ्यूम लगाते हैं, बड़े महंगे महंगे भी लगाते हैं, कुछ फूलों की खुशबू लगाते हैं, वो ये फूल भी दुनिया में परमात्मा ने दिए हैं, ये फूल ना होते तो खुशबू कैसे आती। तो कितने शुक्राने हैं हमारे पास, पानी दिया, जल दिया, अग्नि दी जिसपे हम खाना बना सकते हैं, सोच भी नहीं सकते अनगिनत शुक्राने हैं उस मालिक के, पर हम नहीं करते। हम जैसे ही हमें कोई मिलता है ना शुरू हो जाते हैं उससे शिकायत करनी, और कुछ नहीं तो सहेली मिल जाएगी ना, अभी सत्संग के बाद ही देखना बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, पार्क में बैठ जाएंगे, अच्छा तू अजय दे कार ते आ गई, तेनू मैं अपने कार बुलाया सी कीर्तन ते, तू मेरे कार ते आई नहीं सी, शिकायत शुरू। सारा किया कराया सिमरन आपका व्यर्थ चला गया, निंदा चुगली भी कर दी, उसकी भी कर दी, फिर और कुछ नहीं तो एक दुश्मन कोई बैठा होगा यहीं पे, हमारा होता ही है कोई ना कोई छोटा मोटा, तो फिर जाके तीसरे से कहेंगे देखा यहाँ आ गई है, मेरे घर नहीं आई है। मतलब ये चीज़ें हैं जो गुरुजी ने हमारे को कहा, इन चीज़ों से दूर हो जाओ, और कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा प्रसाद की निंदा कर देते हैं। हम कहते हैं सुबह सुबह थोड़ा अमृत वेले में कम खिलाओ, पर संगत ने इतने सालों बाद पहली बार कराया है तो एक एक चीज़ रख दी, जो डाइटिंग करते हैं वो कह देंगे अरे सुबह सुबह इतना प्रसाद खिला दिया, कोई कह देगा इतना फ्राइड खिला दिया, कोई कह देगा इतनी मिर्चें खिला दी। तो ये चीज़ें हैं, गुरुजी कहते हैं किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करो, निंदा चुगली तो निंदा ही होती है, ये नहीं कि किसी इंसान की पीठ पीछे निंदा करनी है, कुछ भी नहीं निंदा करनी, घर है जैसा भी घर है, प्रेम है ना उस घर में, आपको प्रेम से बुलाया है ना, उस प्रेम की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो उसका, प्रेम करने वाले का सम्मान करो, प्रेम करने वाले का घर मत देखो, प्रेम करने वाले का लंगर प्रसाद मत देखो, प्रेम करने वाले का कोई पैसा मत देखो, बस प्रेम करो, उसने आपको प्रेम दिया आप उसे बदले में प्रेम दो, यही प्रेम गुरुजी ने कहा सारी संगत में बांटो, तभी तो आज गुरुजी की इतनी जय जयकार हो रही है। और बड़ा ही प्यारा है वो, हम वाहेगुरु जी के लिए जब अमरे वो करते हैं ना, हम प्रभातफेरी निकालते हैं, पता नहीं आज मुझे क्यों याद आ गया, तो मैं बहुत बोलती थी प्रभातफेरी में जब जाती थी ना सड़कों पे चलते हुए सुबह सुबह, तो हम गुरु नानक देव जी के लिए बोलते थे और अभी हम गुरु जी के लिए बोलते हैं, सब बोलेंगे जो बोल सकेंगे। हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, तन गुरु नानक प्यारे तेरी जय जयकार, तन गुरु नानक प्यारे तेरी जय जयकार, जय गुरु जी जय गुरु जी जय जयकार, जय गुरु जी जय गुरु जी जय जयकार, आकाश पातालां विच जय जयकार, आकाश पातालां विच जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, खंडा ब्रह्मंडा विच जय जयकार, खंडा ब्रह्मंडा विच जय जयकार, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु,
वाहेगुरु 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 हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, तन निरंकार तेरी जय जयकार, तन निरंकार तेरी जय जयकार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। जय गुरु जी।